हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम लेके आए हैं डिवेंचर का एक ऐसा टॉपिक जो नॉर्मली काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपके लिए आसान भी होने वाला है बिकॉज आपने बिल्कुल मिलता जुलता एक टॉपिक शेयर्स में भी पढ़ा था। मैं आज बात कर रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश में, जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं एसेट्स के बदले। आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाई थी शेयर्स को लेकर, वही कॉन्सेप्ट डिवेंचर्स में है। तो एक तरह से आज आपका रिवीजन होने वाला है और डिवेंचर्स में ये अदा पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम एसेट्स खरीदने गए हैं, और जब एसेट्स खरीद रहे हैं तो जो वेंडर है जिससे हम एसेट्स खरीद रहे हैं उसको पैसे नहीं दे रहे, या वो हमसे कह रहा है सर एक काम करो आप पैसे मत दो, आप ही कंपनी का हमने बहुत नाम सुना हुआ है, आप डिवेंचर इशू करने वाले हो मैंने सुना है, तो आप एक काम करो आप प्लीज़ मुझको अपनी कंपनी के डिवेंचर्स दे दो, मैं कहीं पैसा लगाना चाह रहा हूँ और एक सेफ अर्निंग हो जाएगी, मुझे ब्याज मिलती रहेगी और कुछ टाइम बाद आप मुझे पैसा वापस कर दोगे, या मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ भाई देख एसेट्स तू मुझे दे रहा है तो मुझसे पैसे मत ले, या थोड़े से पैसे ले ले और बचा हुआ पैसा ना लेके तू मुझसे क्या ले ले डिवेंचर ले ले, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो इस केस में हम एंट्रीज कैसे करते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो भाई सिंपल सी एंट्री है। पहली एंट्री हम एसेट्स खरीदते हैं, और ये बात हम 11 से जानते हैं कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है। बस हम 11th में पढ़ते थे तो हम बोलते थे एसेट्स टू राम, हमने राम से खरीदे, तो यहाँ पे कोई भी वेंडर जिससे हमें एसेट्स खरीद रहे हैं, हम उसके एसेट्स खरीदेंगे, और जब हम उसको वापस करेंगे एसेट्स तो हम उसको एसेट्स के बदले क्या देंगे, शायद पैसा भी दे सकते हैं या उसको हम लोग डिवेंचर दे सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि मैं एक बिजनेस ही खरीद लेता हूँ, एक रनिंग बिजनेस है ना, एक कंपनी है, छोटी कंपनी है मुझसे, और वो डूब रही है, तो हो सकता है मैं उस कंपनी को ही परचेज कर लूँ, और जब मैं उस कंपनी को परचेज कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, जब मैं कंपनी परचेज करूँगा तो सारे एसेट्स मेरे हो गए। मान लीजिए अगर मैं कंपनी परचेज कर रहा हूँ तो मैं एंट्री करूँगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, उस कंपनी के सारे एसेट्स मैं ले लूँगा, है ना। और जब उस कंपनी के सारे एसेट्स मैं ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी के एसेट्स हैं 100, मैंने सारे एसेट्स उसके ले लिए, और जब कंपनी मेरी हो गई तो सारे एसेट्स मेरे और सारी लायबिलिटी भी मेरी, लायबिलिटी तो मुझे पे करनी पड़ेगी, तो उस कंपनी की लायबिलिटी भी मैं पे करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ टू लायबिलिटीज। मान लीजिए उस कंपनी पे 10 लायबिलिटीज थी, वो भी मुझको देनी पड़ेंगी। अब मुझे वेंडर को कितना पैसा देना है, ठीक है, अब मैं वेंडर से बोल रहा हूँ जिससे मैं उसके अब बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ देखो भाई अब मैंने आपके 100 के एसेट्स ले लिए, 10 की आपकी लायबिलिटी मैं चुका दूंगा, अब 90 रुपये बचते हैं, तो मैं वेंडर को कितने पेमेंट करूँगा, मैं वेंडर को पेमेंट करूँगा 90 रुपीज़, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन कभी कभी ये भी हो सकती है कि मैं उस कंपनी के एसेट्स खरीद रहा हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ एसेट्स अकाउंट डेबिट, मैं उस कंपनी के 100 रुपये के एसेट ले रहा हूँ और उस कंपनी की लायबिलिटी भी पे कर रहा हूँ, टू लायबिलिटीज अकाउंट 10 रुपये की लायबिलिटी पे कर रहा हूँ। अब जब वेंडर को पैसे देने की बारी आई, मैंने लिखा टू वेंडर, तो वेंडर को जब पैसे देने की बारी आई तो वेंडर तो कह रहा है मुझसे, वेंडर कह रहा है सर देखो मैं आपसे 90 रुपये नहीं लूँगा, मैं तो आपसे पूरे ही 100 लूँगा, पूरे 100 रुपये लूँगा, और मैं मान भी गया मुझे अपने फ्यूचर बेनिफिट्स लग रहे हैं इस कंपनी पे, मैं आगे पैसा लगा के इस कंपनी की रिसोर्स यूज़ करके बहुत कमा सकता हूँ, जो ये आदमी नहीं कमा पा रहा था मैं कमा सकता हूँ, तो मैं उसकी बात मान गया, मैंने कहा ठीक है मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, चल तेरी बात मानता हूँ। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में मेरे पास उसके एसेट्स तो आ रहे हैं 100, मगर मेरी जेब से इतना पैसा कितना ज़्यादा जा रहा है, मेरे जेब से 10 रुपये तो हम पे करेंगे उसकी लायबिलिटी के, और 100 रुपये हम पे कर रहे हैं वेंडर को, तो मेरी जेब से जा रहे हैं 110 रुपये। ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? ऐसी कंडीशन इसलिए हो रही है बिकॉज उस कंपनी की गुडविल अच्छी है, वो तो करंट वेंडर है, जो करंट उसका मालिक है वो उस कंपनी को चला नहीं पा रहा, मगर मेरे पास गुण है उसे चलाने के, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उसको इतना पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस कंपनी की गुडविल अच्छी है। तो कभी भी डेबिट साइड का भी बैलेंस बचता है ध्यान रखना, वो हमेशा किसकी वजह से बचता है, गुडविल। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, सामान कम ले रहे हैं क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मैं उससे एसेट्स ले रहा हूँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये के एसेट्स ले रहा हूँ, उसकी लायबिलिटी पे कर रहा हूँ लायबिलिटीज
अकाउंट में इसकी 10 रुपये की लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ। अब की बार मैं जिद कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई देख हम तुमको अब केवल कितने देंगे 80 रुपये देंगे। मुझे मालूम है वेंडर थोड़ा कमज़ोर है, उसकी कंपनी वैसे ही डूब रही है। मैंने कहा जी मैं तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉमिसिंग ग्रोथ देखता नहीं हूँ, तो मैं केवल 80 रुपये ही देने वाला हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हारे बनते नहीं है, मैं दूंगा भी नहीं। और वेंडर को पैसे की ज़रूरत है, वेंडर बोला ठीक है सर आप 80 में ले जाओ। अब इस कहानी में क्या हो रहा है, इस कहानी में ये हो रहा है कि जी मैं 100 रुपये का सामान ले रहा हूँ और मेरी जेब से जा रहे हैं केवल 90 रुपये, यहाँ मुझे गेन हो रहा है। और जब भी गेन होता है आप जानते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये 10 रुपये कहाँ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व। ये 4 केस है, इन 4 में से कोई 5वां केस बनता ही नहीं है बेटा, है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। या आप केवल एसेट्स खरीदोगे, 100 रुपये के एसेट्स लिए, 100 रुपये वेंडर को दिए, या आप उससे एसेट्स लोगे, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, लायबिलिटी दोगे और वेंडर का पेमेंट करोगे, या आप उससे पेमेंट ज़्यादा करोगे तो गुडविल होगी, पेमेंट कब करोगे तो कैपिटल रिजर्व होगा। यही केसेस हमारे बनते हैं, पर अभी तक डिवेंचर का जिक्र ही नहीं आया, अभी पेमेंट की बारी नहीं आई। तो ये सारी पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, सारी फर्स्ट एंट्री है बेटा, हाँ केस अलग है। सेकेंड एंट्री जो होगी, सेकेंड एंट्री होगी पेमेंट करने की, जब हम वेंडर को पे करेंगे। ठीक, वेंडर को पे करेंगे तो जब आपने वेंडर को क्रेडिट किया था अब आप करेंगे वेंडर को डेबिट, वेंडर डेबिट। अब ध्यान रखना आपको इतनी पूरी भीड़ से कोई मतलब नहीं है, आपको फोकस इस पर करना है वेंडर पे, बात खत्म। आपको वेंडर पे फोकस करना है, जितना वेंडर को पेमेंट करना था आप करेंगे। समझ करो मुझे वेंडर को 100 रुपीज़ पे करने हैं और मैं उसको डिवेंचर दे रहा हूँ, और डिवेंचर भी मैं 3 तरह से इशू कर सकता हूँ बेटा। डिवेंचर मैं इशू कर सकता हूँ पार पे, पार आप सभी जानते हो, 100 के डिवेंचर उसको 100 में दे रहा हूँ, या मैं इशू कर सकता हूँ प्रीमियम पे, 100 के डिवेंचर उसको 110 में या उससे ज़्यादा में दे रहा हूँ। और डिवेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, शेयर्स में ऐसी सुविधा नहीं थी, ये आपने नहीं पढ़ा, मगर डिवेंचर में नई चीज़ आ गई कि डिवेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। कैसे मैं समझाता हूँ आपको, पहले केस में मैं उसको पार पे कर रहा हूँ, पार इन द सेंस मैं उसे कह रहा हूँ भाई मेरा 100 का डिवेंचर है तो ये मैं 100 में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2% डिवेंचर अकाउंट। हर डिवेंचर का प्रीफिक्स होता है 9%, 10%। ठीक है, ये मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि आप कभी एंट्री मत याद करो, प्लीज़ मत याद करो, समझो। आपको मालूम होना चाहिए जब भी शेयर इशू हो रहे हैं शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है, है ना। और जब शेयर हम कैंसिल करते हैं फॉर फ्यूचर शेयर कैपिटल देखो भाई डेबिट में आता है। ऐसी डिवेंचर का है, जब भी डिवेंचर आप लोग इशू करेंगे तो डिवेंचर हमेशा क्रेडिट में आएंगे। इसको समझने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका समझ लो कि लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी क्रेडिट में आती है, आपने डिवेंचर दे दिए 100 का उसको देने थे, 100 के आपने डिवेंचर दे दिए, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। सेकेंड हो सकता है आप उसको डिवेंचर दे रहे हैं, आपने कहा जी एंट्री है वेंडर डेबिट, अब क्यों मुझे वेंडर को 110 रुपये देने हैं और मैंने कहा जी डिवेंचर से मैं तुझे अपने डिवेंचर दूंगा मगर मैं अपने डिवेंचर तुझे प्रीमियम पे दूंगा, वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उस केस में अगर आपको याद हो तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम करते हैं 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो आपको ये याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्यों नहीं होने वाली, आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिकॉज आपने शेयर्स में इसकी अनगिनत एंट्रीज करी हैं SPR की, यहाँ भी यही है बेटा। अब मैं वेंडर से क्या बोल रहा हूँ, मैं वेंडर से बोल रहा हूँ देख भाई तुझे 110 रुपये मुझे देने और मैं तुझे एक डिवेंचर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालूँ तो मैं बोल रहा हूँ देख भाई मैं तुझे डिवेंचर दे रहा हूँ 110 रुपये देने हैं और जो डिवेंचर दे रहा हूँ वो भी कितने का पड़ रहा है 110 का, यानी 100 रुपये डिवेंचर के और 10 रुपये किसके प्रीमियम। एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है 100 रुपये है, तो मैंने कहा 100 रुपये डिवेंचर के दे रहा हूँ और 10 रुपये किसका दे रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के दे रहा हूँ। मेन क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको नंबर ऑफ डिवेंचर भी निकालना सिखाऊंगा। तीसरा केस ये हो सकता है, एंट्री हुई चल रही है देखो, सेकेंड ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे वेंडर को देने हो, मान लीजिए मुझे वेंडर को देने हैं सपोज करो अब की बार 90 रुपीज़ और आप उसे डिवेंचर इशू कर रहे हैं और आपका डिवेंचर हमेशा की तरह 100 रुपये का है, तो आप उसे कह रहे हैं देखते मैं 100 रुपये का डिवेंचर दे रहा हूँ लेकिन मुझे देने कितने हैं तुझे केवल 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर। ₹10 मैंने क्या दे दिया उसको, डिस्काउंट। तो या तो हम पार पे दे देंगे उसको, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट। ये तीनों ही केसेस हैं, चौथा कोई केस ही नहीं आता। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं और वो कह रहा है भैया ऐसा करो थोड़ा बहुत पैसा हमको अभी दे दो, बाकी के डिवेंचर दे दो। ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे मान लो मुझे वेंडर को देने हैं, आपने कहा जी वेंडर डेबिट हैंडेड, मुझे वेंडर को ₹100 देने हैं। वेंडर बोला भाई थोड़ा पैसा मुझको अभी दे दो। मैंने ठीक है तुम मुझसे थोड़ा सा पैसा चेक कैश में, चाहे चेक से, बैंक ड्राफ्ट कैसे भी, मैंने कहा चल तुम मुझसे ₹10 अभी ले ले। बोला बाकी ₹90, मैंने कहा देख बाकी ₹90 बचे डिवेंचर से ही दूंगा, 2% डिवेंचर अकाउंट ₹90। ये पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया है। अब क्वेश्चन है ना, इसको हम बहुत प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज, आपको लग रहा होगा मैं हमेशा इतनी जल्दी में नहीं होता, आज मैं इसलिए जल्दी में था बिकॉज ये टॉपिक आप शेयर्स में बड़े प्यार से पढ़ चुके हैं बेटा, तो आपको ना एक तरह से रिवाइंड हो रहा है, ये रिवाइज हो रहा है, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हम जल्दी चल रही हैं अब क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन कराने हैं आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अनन्या लिमिटेड ने परचेज किया है एक एस्टेब्लिश बिजनेस। मैंने कहा था ना हम किसी बिजनेस को खरीद लेते, तो हमने हम लोग अनन्या लिमिटेड हैं, हमने एक एस्टेब्लिश बिजनेस परचेज किया है और बिजनेस की कॉस्ट है ₹2,00,000। हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पेबल ₹65,000 बाई चेक। वो बिजनेस कह रहा है देखो भैया थोड़ा बहुत पैसा मुझको दे दो, मैं कोई नया कुछ खोल लूँ, है ना। तो मैं उसको ₹65,000 दे रहा हूँ चेक से, और बाकी जो दे रहा हूँ उसको वो डिवेंचर्स दे रहा हूँ, और डिवेंचर दे रहा हूँ जिसकी कीमत है ₹100, उसको 10% के डिस्काउंट पे। तो पहले हम पहली एंट्री पास करते हैं। आपने कहा पहली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूँ तो इस क्वेश्चन के केवल हम एसेट्स खरीद रहे हैं। मैंने कहा एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें उस कंपनी का नाम नहीं पता जिसकी हम एसेट खरीद रहे हैं, तो हम वेंडर के नाम से दिखा सकते हैं। आपने कितने में खरीदे, आपने लिए ₹2,00,000। आप बिल्कुल नॉर्मल से नरेशन दे सकते हैं इसकी, बीइंग गुड्स या बीइंग एसेट्स परचेज या बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब आप पेमेंट की बारी आई, जब पेमेंट की बारी आई तो हमने सेकेंड एंट्री पास करी वेंडर डेबिट ₹2,00,000। वेंडर क्या करते, वही पैसा लिखो जो आपको देना है, या इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं आप, इस तरह समझ लीजिए हम इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या दे रहे हैं उसको, हमने तुरंत उसको एक चेक दे दिया। हम सब जानते हैं चेक से पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने का मतलब टू बैंक, सब जानते हैं। कितना पेमेंट कर दिया, ₹65,000। अब सिंपली देखो अब वेंडर के कितने पैसे बचे, हमें उसको देने थे ₹2,00,000 और ₹65,000 हमने उसको पकड़ा दिए। अब कितने पैसे बचे, अब बचे ₹1,35,000। अब मैंने उससे कहा सुन भैया तेरी तो मैंने सुन ली, तुझे चेक दे दिया, अब मेरी सुन ले, मैं जिसको डिवेंचर दूंगा, और डिवेंचर कैसे दूंगा, डिस्काउंट पे। मेरी कंपनी थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम में चल रही है, तो लोग मेरे पर ट्रस्ट कम कर रहे हैं, तो मुझे अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे देना पड़ रहा है। तो मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो है 9% डिवेंचर्स के, तो मैं लिखूँगा 2, या एक स्पेस मैंने थोड़ा छोड़ा नहीं तो यहाँ लिख दूंगा 2.9% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। डिस्काउंट ऑन, थोड़ा हौच पच हो गया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था, तो हमने लिख दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट। चलो मुझे साफ नहीं लग रहा, मैं इसे मिटाई देता हूँ, एंट्री मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इसको मिटाई देते हैं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर देता हूँ। तो एंट्री हो गई वेंडर डेबिट 2,00,000, और मैंने ऐसे क्या दिया, चेक दे दिया, कितने का 65,000 का, बाकी मैंने उससे कहा हम तुझे 9% डिवेंचर देंगे, वो भी किस पे देंगे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट।
अब हमें एग्ज़ाम में नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ते हैं और इसके मार्क्स भी मिलते हैं, स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूँ उस क्वेश्चन में, तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स। देखो बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आपको कितने पैसे देने हैं उसको। सर मुझे पैसे देने हैं उसको 1,35,000। सबको समझ आ रहा क्यों? हमने 2,00,000 का उसका बिजनेस खरीदा, पैसा तो उसके हाथ में पकड़ा दिया, चेक 1,35,000 अपॉन आप जो उसको डिवेंचर दे रहे हैं उसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, ठीक है, मगर जो आप उसको डिवेंचर दे रहे हैं वो एक्चुअली में उसे कितने का पड़ रहा है? 90 रुपीज़ का। बिकॉज 10 तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना उसको, तो हमने कहा जी 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% हम डिस्काउंट देंगे, तो हम अपने डिवेंचर को आपको 90 रुपये में दे रहे हैं। अब बेहद कॉमन सेंस की बात है, मुझे 1,35,000 रुपये दे रहे हैं और मेरे एक डिवेंचर की कॉस्ट है 90, तो कितने डिवेंचर बनते हैं उस पर? आपने कहा सर चला गया 9 से गया सर 1,500 डिवेंचर्स बनते हैं। तो यानी मैं उसको कितने दे रहा हूँ? उसको 1,500 डिवेंचर दे रहा हूँ और एक डिवेंचर की कॉस्ट जो है वो 100 है। क्वेश्चन ने हमको बता ही दिया, तो आपने कहा 1,50,000। मैं 1,50,000 तो क्या दे रहा हूँ बेटा? डिवेंचर दे रहा हूँ, उस पर 10% का डिस्काउंट है, यानी 15,000 डिस्काउंट है। या इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 1,500 डिवेंचर्स पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, आप ऐसे भी देख सकते हो। सिंपल हो गया क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अब हमें बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके हम शेयर्स खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं 40,00,000 के, एंड टू गो ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹7,00,000, और उसकी लाइबिलिटीज भी हमने खरीद ली है 7,00,000 रुपये में, एंड एग्रीड वैल्यू। हाँ, ये एग्रीड वैल्यू वाली बात देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपने कितने एसेट्स लिए हैं? सर आपने एसेट्स ले लिए 40,00,000 के, 40,00,000, ठीक है। अब क्या पे कर रहे हैं सर? हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं उसकी, तो आपने कहा 2 लायबिलिटीज, और उसकी जो लायबिलिटीज है वो 7,00,000 रुपए की है, 7,00,000, और बाकी हम जो ले रहे हैं उस वेंडर का नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें मालूम है हमें उसको अब कितने देने हैं? 33,00,000 रुपीज़ देने हैं। ऐसी तो है, ये डील है हमारी। लेकिन हमारा जो सेटलमेंट हुआ है जिसको हम परचेस कंसीडरेशन भी बोलते हैं, उसने कहा भाई देखो वेंडर से कि भाई ऐसा है मैं आपसे लूंगा, इसमें लिखा हुआ है एग्रीड वैल्यू ऑफ 32,40,000। प्लीज हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा, ठीक है। हमने उसे तय किया भाई देख मैं तो तुम्हें दूंगा 32,40,000, इसको हम परचेज कंसीडरेशन या एग्रीड वैल्यू बोलते हैं कि हमारे उसमें डील कितनी हुई है। तो भाई उसमें डील हुई है 32,40,000 की। अब बताओ ये हमारे लिए फायदे का सौदा है कि नुकसान? तो मेरे से फायदा लग रहा है, क्यों? हम उसे 40,000 का सामान ले रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं, 7,00,000 की लायबिलिटी और 32,40,000 की क्या पे कर रहे हैं उसको पे कर देंगे, तो 32,40,000 करें हमारे पास से, यानी 60,000 रुपये हमें फ़ायदा हो रहा है। मैंने आपको बताया था फ़ायदा होता है तो किस नाम से आता है? वो आता है सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये अब जरूर लिख लिया करो जब मैं पढ़ा रहा हूँ या आपके टीचर पढ़ा रहे हूँ, बिकॉज जब एग्ज़ाम में आप रिविजन करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आया, तो बैलेंसिंग फिगर है। चलो अब आती है पेमेंट की बारी, कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन बोल रहा है भाई देखो पेमेंट वॉज मेड बाय यूजिंग डिवेंचर, हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं, 10% डिवेंचर है, 100 रुपये ईच, हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं 10% के प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो आप कोई बात नहीं, एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री होती है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट। हमने कहा जी कितना पैसा देना है तुझे? 32,40,000, ठीक है। हम उसको डिस्काउंट पर दे रहे हैं, थोड़ा फटाफट लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं? सर हम उसको दे रहे हैं 10% डिवेंचर के नाम से। अब मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पता कि मैं कितने डिवेंचर दे रहा हूँ, मुझे इतना पता है मुझे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को इतने पैसे देने हैं, उसके लिए मैं उनको डिवेंचर दे रहा हूँ। कितने डिवेंचर दे रहे हैं वो आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर दे रहे हैं? सर हमें उसको देने हैं 32,40,000 डिवाइडेड बाय, अब जो हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं उस डिवेंचर की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है? 90। कैसे? 100 का डिवेंचर है, 10 का डिस्काउंट, कितने पड़ रही है? 90। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, थोड़ा तो टाइम बच जाए इसलिए हम हेल्प ले लेते हैं टेक्नोलॉजी की। ये हो गया सर 32,40,000 डिवाइडेड बाय 90, यह आ गया 36,000। इट मीन्स 36,000 डिवेंचर्स हम देंगे, 36,000 डिवेंचर्स देंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डिवेंचर्स पे फेस वैल्यू आती है, आप बोलोगे हम 36,000 डिवेंचर देंगे और डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है, हमेशा याद रखना। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है, देखो यहाँ भी 100 आया। कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही लिखा जाएगा, एज ए शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे लिखी जाएगी। तो आपने कहा जी इससे हमारे कितने बनते हैं? 36 लाख, यानी हम उसको 36 × 100 36 लाख के डिवेंचर्स दे रहे हैं, लेकिन हमें देने कितने हैं उसको? इतने। तो बाकी क्या होगा? डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कैसे निकाल दो? डिफरेंस निकाल दो आप, 3,60,000 का डिस्काउंट दे दिया। तीन तरीके निकालने के, देखो डिफरेंस निकाल दो, या कॉमन सेंस की बात है 36 लाख पे 10% का डिस्काउंट कितना होता है? इतना। और ये भी समझ नहीं आता तो इस तरह समझ लो, सर 36,000 डिवेंचर है, 10 रुपये का डिस्काउंट है। आप किसी तरह से भी समझ लीजिए। हो गया क्वेश्चन बेटा, अब फटाफट एक प्रीमियम क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वेलबींग लिमिटेड ने एसेट्स ले लिए हैं 9,80,000 के और लायबिलिटी पे करेंगे 40,000 की HDR लिमिटेड की एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 9 लाख। अब देखो फटाफट से अगर मैं एंट्री करूं, तो इस क्वेश्चन की एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक कंपनी का मैसेज ले रहे हैं कितने के? 9,80,000 के। उसके बाद वो कह रहा है एंड टू कोवर एंड लायबिलिटीज, उसकी लायबिलिटीज कितनी है? हमने उससे कहा देख हम तेरी 40,000 की लायबिलिटीज भी पे कर देंगे, ठीक है। अब उसमें और मेरे में डील हुई है कि उसका नाम क्या पाया, तो देख लिया नाम है HDR लिमिटेड, तो हमने कहा 2SDR लिमिटेड। मेरे पास तो एक चॉइस थी, मैं बैलेंस पेमेंट कर देता उसको, मगर हमारे और उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था एग्रीड वैल्यू ऑफ 9 लाख, हमारे में एग्रीमेंट हुआ है कि मैं उसको 9 लाख रुपये दूंगा, इसको परचेस कंसीडरेशन भी बोलते हैं, मैंने बताया था। फटाफट देख लीजिए, मैं उससे सामान ले रहा हूँ 980 का, उसको पैसा दूंगा 940, तो फिर से मेरा 40 का फायदा हो गया, मतलब मैंने जगह छोड़ रखी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है कितने की? 40,000 की, तो मुझे 40,000 का फायदा हो गया बैलेंसिंग फिगर। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कैसे हो रहा है देखें जरा, इसने कहा जी हम उसको दे रहे हैं डिवेंचर 9% डिवेंचर 100 रुपये की फेस वैल्यू पे, मगर 20% के प्रीमियम पे। तो मैं तुरंत एंट्री पास कर दी, हमने कहा HDR लिमिटेड डेबिट, हमें कितने पैसे देने हैं HDR को? 9 लाख, हमें 9 लाख रुपीज देने हैं। 2, हम क्या दे रहे हैं उसको? सर 9% डिवेंचर्स दे रहे हैं, यस हम उसे दे रहे हैं 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, उसको प्रीमियम पे दे रहे हैं। और समस्या यही है मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं है, तो मैं तुरंत नंबर ऑफ डिवेंचर्स फिर से निकाल लिए, मैंने कहा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू कितने पैसे देने हैं मुझे HDR लिमिटेड को? 9 लाख। अब की बात मेरे 100 का डिवेंचर है और मैं 10% प्रीमियम मांग रहा हूँ, 10% है ना, नहीं सॉरी 20% 20% प्रीमियम मांग रहा हूँ, तो मेरा डिवेंचर कितने का बना? 120 का, है ना, यस 120 का। तो वैसे चलो कर लेते हैं फटाफट से ले लेते हैं हेल्प। आपने कहा सर 9 लाख डिवाइडेड बाय 120,
क्वेश्चन आया 7500, यानी 7500 डिवेंचर्स में एक्चुअली मैं दूंगा, तो फटाफट से मैंने लिख दिया 7500 डिवेंचर, और फेस वैल्यू कितनी है 100, यानी कि 7,50,000 के डिवेंचर्स दूंगा, और आप 20% निकाल लो, 1.5 लाख आता है, 1.5 लाख का SPR, या बैलेंस निकाल लो, या मैंने आपको बताया ये तरीका भी है कि 7500 डिवेंचर पर 20, तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको वाकई यकीन मानिए कुछ भी नहीं मिलेगा इस टॉपिक पे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, मैं बार बार कहता हूँ प्रॉब्लम है पूछिए, ठीक है। मैं जल्दी मिलूँगा आपको अपने YouTube चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, मैं बोलूँगा ही नहीं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।